हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। फाइनली दोस्तों, जो जो कैंडिडेट्स गोरखपुर जोन से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने वहां से फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। फाइनली पैनल लिस्ट जारी कर दी गई है दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट्स के इसमें नाम है और सबसे अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी और नॉन पीडब्ल्यूडी उसमें कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, दोनों का ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। दोनों का रिजल्ट अगर आपको चेक करना हो तो फर्स्ट जो कमिट है वो चेक कीजिए। दोनों की लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ पे आप इजीली तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों सो सॉरी, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आइए सबसे पहले अपन इस ओरली इस नोटिस को पढ़ लेते हैं और नीचे बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम है दोस्तों, आप चेक कर लेना। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। और दोस्तों ये पैनलिस्ट फर्स्ट हैं, पैनलिस्ट सेकंड भी आ सकती है और फाइनल रिजल्ट भी। दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मेरा नाम क्यों नहीं आया इसमें, एज सुन एज पॉसिबल वो भी पब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है प्रोविजनली द लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर लेवल वन, जो एडवर्टीजमेंट नंबर है उनके नीचे दे रखा है, नंबर आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीईटी आईडी। दोस्तों ये जो लिस्ट है, जो रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। सेकंड में लिखा है नेम ऑफ सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन इंक्लूडेड एज देयर मेडिकल एग्जामिनेशन हैज़ ईदर नॉट बीन कंप्लीटेड और दे हैव बीन डिक्लेयर्ड टेम्प्रेरी अनफिट। दोस्तों उनका डीवी या मेडिकल, या हो सकता है कि वो अनफिट करार दे दिए गए हैं दोस्तों, या उनको टाइम दे दिया गया इसलिए उन कैंडिडेट्स का नाम इसमें नहीं है। और साथ ही साथ उनका सीबीटी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जांपल ऐसे कैंडिडेट्स भी बहुत सारी जोन से बिलोंग करते हैं जिन्होंने डीवी, जो आपका डीवी था वो बहुत अच्छी तरीके से दिया, सीबीटी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पीईटी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर मेडिकल में ड्यू टू सम रीजंस वो अनफिट करार दिए गए दोस्तों, उनको होल्ड पर रखा गया। आप ऐसा मत टेंशन लीजिए कि मेरा नाम नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ नहीं, बल्कि ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका नाम जो सेकेंड लिस्ट है उसमें आएगा ही आएगा। बट आप अपना डीवी और मेडिकल बिल्कुल भी मिस ना करें, जो डेट आती है उस पर ज़रूर जाए, वहाँ पर रिपोर्ट करें और अपना मेडिकल दें। थर्ड इसमें लिखा है दोस्तों द पोस्ट अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स एंड द डिवीजन यूनिट ऑफ पोस्टिंग हैव बीन इंडिकेटेड अगेंस्ट देयर नेम्स। दोस्तों सबसे अच्छी बात इस रिजल्ट में जो देखने को मिली अपने को वो है कि आपको जो पोस्ट अलॉटेड की गई है दोस्तों वो भी मेंशन करके रखी है। दोस्तों अभी तक आप किसी भी पैनल लिस्ट में देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें नहीं थी। दोस्तों फिर उसके आगे का देखेंगे अपन, उसमें लिखा है फर्दर एक्शन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ़ द एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट्स विल बी टेकन बाय द रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुई, पीईटी हुई, डीवी हुआ, मेडिकल हुआ, दोस्तों ये आरआरसी के अंतर्गत आता है, उनके अंडर में आता है। बट जो अब आगे की आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है और आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है दोस्तों, वो डिवीज़न के वक्त उसके अंडर में आता है दोस्तों। तो आपको आपकी डिवीज़न में जो भी आपने डिवीज़न मेंशन कर रखा था एक्स वाई जेड दोस्तों, अब वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है और फिर आगे का जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है और जो प्रोसेस है वो आपको वहाँ से मिलेगी। और फिर आगे का यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, हाँ, यूज टू इन द अलॉटेड डिवीज़न यूनिट आर, दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाराणसी, इज्जत नगर और लखनऊ। दोस्तों ये जो डिवीज़न दे रखे हैं दोस्तों, इसमें मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो डिवीज़न उनको अलॉटेड कर रखा है। और दोस्तों एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजनल पैनल, हाउ एवर RRC रिजर्व द राइट टू करेक्ट एनी। दोस्तों हाँ, ये दोस्तों बिल्कुल सही लिखा है कि जो अधिकार है मात्र रेलवे के पास है। अगर इस लिस्ट में उन्हें कुछ एरर, कुछ त्रुटि, दोस्तों ऐसा लगता है कि नहीं इसमें थोड़ी त्रुटि है, कुछ एरर है, दोस्तों आपका वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे कैंडिडेट जिनके रोल नंबर में थोड़ी सी मेंशन हो सकता है कि नहीं यार थोड़ा जो टाइपो मास्टर रहते हैं उनसे मिस्टेक हो गई, तो दोस्तों जो करेक्ट रोल नंबर वो वहाँ पे मेंशन किया जाएगा और आपका रोल नंबर इसमें से डिसमैच्ड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा दोस्तों। बट ऐसे जो केसेस है वो 100 में से 99% नहीं होते, 1% चांसेस रहते हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और दोस्तों यहाँ नीचे देखिए सबसे अच्छी बात, पीईटी आईडी आपकी, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नेम, आपको अलॉटेड पोस्ट और अलॉटेड डिवीज़न। दोस्तों आपका डिवीज़न आपको कहाँ कौन सा मिला है, आपको जहाँ रिपोर्ट करना है, अलॉटेड पोस्ट आपको क्या दोस्तों, हमाल, पोर्टर दोस्तों क्या है, सिग्नल तो कौन सा मिला है वो भी वो कर दिया है, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, आपकी पीईटी आईडी क्या थी। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया गया है ये, बिल्कुल किसी को भी कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस इन सभी कैंडिडेट्स को जिनका इस लिस्ट में नाम है। और दोस्तों ये बात हो गई है, दोस्तों अपन बात कर रहे थे पीडब्ल्यूडी नॉन पीडब्ल्यूडी, मैंने आपको बता रखा है आप कैसे डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फर्स्ट कमेंट चेक कीजिए। और दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन ना लें,
मेरी आप सभी से सलाह है, अगर आपके इससे कुछ रिलेटेड डाउट्स एंड कुछ क्यूरीज होते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। और दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा यार कि लाइक करो ज़्यादा, कमेंट करो ज़्यादा, शेयर बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बस एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा आपको कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो यार इसे डिसलाइक ज़रूर करना, मुझे पता चल जाएगा, मैं नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें बिल्कुल सुधार के पोस्ट करूँगा। और दोस्तों ये चैनल मैंने स्पेशली बनाया है आपकी, आपको इन्फॉर्मेशन और आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, अगर वो आपको मिल जाती है और वो हेल्प आप तक प्रोवाइड हो जाती है, दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।